देखो सरकार का व्यवहार अपराधी की तरह है, ये हम नहीं प्रियंका गांधी कह रही है। छतरपुर में हिंसा बुलडोजर न्याय पर वो भड़क गई हैं। प्रियंका गांधी, उन्होंने मोहन सरकार पर जमकर हमला बोला। छतरपुर हिंसा के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी शहजाद अली के 10 करोड़ की अवैध कोठी पर बुलडोजर चलाया और इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं में उबाल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश में बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। दरअसल प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा है कि अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, ये न्याय नहीं है, ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। दरअसल छतरपुर के कुछ उपद्रवियों ने थाने पर पथराव किया था और इस घटना के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी शहजाद अली के अवैध कोठी पर बुलडोजर चला दिया और इस कार्रवाई में उसके घर को जमींदोज कर दिया। हवेली में रखी हुई 3 लग्जरी कारें फॉर्च्यूनर, सफारी और स्कॉर्पियो को भी कुचल दिया, जिसके बाद से ही खूब सियासत हो रही है। बता दें कि पुलिस ने शहजाद और उसके भाइयों को 21 अगस्त को थाने पर पथराव के मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद किया। FIR के मुताबिक चारों भाइयों ने भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था। फिलहाल चारों भाई और उनका परिवार गायब है, पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है। अब ये भी आपको बताते हैं कि वीडियो जारी जो किया गया है शहजाद ने, उसमें क्या कहा है, क्या सफाई दी है। पुलिस प्रशासन मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, यह आरोप लगाए, इसी के तहत मेरा घर गिराया गया। मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, आपके निर्देशन में जो मकान तोड़े जाएं उनकी जांच कराकर ही कार्रवाई हो, जांच कराकर ही किसी का घर तोड़ा जाए। मुझे इस मामले में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, मुझे ही टारगेट किया जा रहा है। मैं पथराव के दौरान डिप्टी डायरेक्टर, ADM और SDM के साथ खड़ा था। इन तीनों के कहने पर मैंने भीड़ को रोका, समझाया, दोनों तरफ से यानी कि पुलिस और मुस्लिम समुदाय की ओर से लाठीचार्ज और पथराव चल रहा था, ये देखकर मैं वहां से निकल गया। मेरा कोई रोल नहीं है और रोल नहीं होने के बावजूद मेरा मकान तोड़ दिया, घर वाले परेशान हो गए, मुझे बदनाम किया। मैं 14 सालों से तंजीम चल रहा हूं, लोगों की मदद कर रहा हूं, ऐसी घटना आज तक छतरपुर में नहीं हुई। मैं भी सदर रह चुका हूं लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इस घटना में मुझे टारगेट किया गया, मैंने ऐसी हरकत नहीं की। भीड़ में मौजूद असामाजिक तत्वों ने यह घटना की है, हमारे साथ तो अच्छे लोग थे। ये बातें जो है शहजाद अली ने कही हैं। शहजाद अली और उसके भाइयों की राजनीतिक दखल कैसी थी ये भी आपको बताते हैं। शहर में उनका किस तरह का रसूख था वो भी आपको बताते हैं। शहजाद अली और उसके चारों भाई अलग अलग कारोबार से जुड़े हैं। बड़ा भाई शहजाद आजाद अली और नगर पालिका का पार्षद है। शहजाद खुद जिला कांग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका है। बाकी दोनों भाई जमीन रेत और पुराने टायर और ऑयल का काम करते हैं। उनका ऐसा कब्जा था कि दूसरा व्यक्ति इस धंधे में एंट्री नहीं कर सकता था, उस पर जमीन पर कब्जे के भी आरोप हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाजी शहजाद अपनी अदालत में ही बिरादरी के लोगों की प्रॉपर्टी और पारिवारिक विवाद से जुड़े फैसले भी सुनाता था। इसमें कई केस आपराधिक भी होते थे। वो जिसके पक्ष में फैसला सुनाता था उससे गरीबों की मदद करने के नाम पर पैसे भी लेता था। खैर, अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक सियासत होती है और वाकई में जो सच है वो कब तक आखिर सामने आता है। देखो।